Hello and welcome everyone. So this is the 8th lecture of Fundamental of Horticulture and their topics are Kitchen Garden, Garden Type, Garden Parts and Lawn Making. So इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले 7 लेक्चर्स के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. तो जैसा कि हम जानते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारी बैलेंस डाइट में परफेक्ट रोल प्ले करते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ना केवल हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बल्कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए हमारी डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें घर पर ही फ्रेश वेजिटेबल्स को लगा देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इतनी फ्रेश अवेलेबल नहीं होती है और उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है. इसीलिए बेस्ट क्वालिटी एंड फ्रेश फ्रूट के लिए हमें किचन गार्डन बनाना चाहिए, जिससे हमें इस लेक्चर में पढ़ेंगे. गार्डन का साइज़ कितना होना चाहिए ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास अवेलेबल एरिया कितना है, हम कितना समय दे सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, पूरी फैमिली के लिए कितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ज़रूरत है. एक एवरेज फैमिली जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं उनके लिए 200 स्क्वायर मीटर की एरिया सफिशिएंट होती है और अगर किसी फैमिली को डेली 300 ग्राम वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है तो उसके लिए 50 स्क्वायर मीटर के एरिया की रिक्वायरमेंट होती है. After this, the next topic is guidelines, principles in planning of nutrition garden. Kitchen garden की planning कैसे करनी चाहिए समझते हैं. First point है, garden को चारों तरफ से fencing करनी चाहिए ताकि area well protected रहे और animals उसे खराब ना करें. Second point है कि ऐसे plants जिनका life span 2 years से ज़्यादा होता है, जिन्हें बार बार लगाना नहीं होता है, उन्हें हमेशा गार्डन के बॉर्डर पर ही लगाना चाहिए, जैसे कि करी लीफ, ड्रम स्टिक, पपाया, बनाना एंड लाइम. थर्ड पॉइंट है, सूटेबल शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जैसे कि रेडिश, बीटरूट, कैरेट, इसे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के साथ लगाना चाहिए. फोर्थ प्रिंसिपल है कि एज कम्पेयर टू स्क्वायर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जैसे टैपिको, एलिफेंट फुट यार्न, इन्हें एक साथ लगाना चाहिए ताकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के साथ मिक्स ना हो. सिक्स्थ पॉइंट है कि किचन गार्डन प्लान करने से पहले हमें प्लांटिंग सीजन का पता होना ज़रूरी है ताकि कौन सी क्रॉप का कौन से सीजन में लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे लगा सकें. सेवन्थ पॉइंट है, पेरेनियल प्लांट्स जहां लगाए जाते हैं उनके बीच बीच में हमें शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट्स को लगा देना चाहिए ताकि एरिया अच्छे से यूटिलाइज हो सके. एट पॉइंट है, क्रीपिंग वेजिटेबल्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनकी बेल होती है उन्हें फेंसिंग के पास या फिर वुडी स्टेम के पास लगाना चाहिए ताकि बेल उन पर सपोर्ट ले सके. सो दिस ऑल आर द गाइडलाइंस ऑफ न्यूट्रिशन गार्डन. द नेक्स्ट टॉपिक इज गार्डन एंड टाइप्स ऑफ गार्डन. सबसे पहले समझते हैं कि गार्डन क्या होता है. गार्डन एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और इरिगेशन के लिए पूल्स और वाटरफॉल्स होते हैं जो साइट को और खूबसूरत और इंजॉयबल साइट बना देते हैं. गार्डन अलग अलग टाइप के होते हैं. फर्स्ट है लैंडस्केप गार्डनिंग. इसका मतलब है कि गार्डन उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर ही गार्डन को डेवलप किया जाता है. लैंडस्केप गार्डनिंग का गोल होता है कि ओरिजिनल लोकेशन की डिज़ाइन को इम्प्रूव करना ताकि व्यू ओरिजिनल साइट से बेटर हो सके. सेकंड टाइप है फॉर्मल गार्डन. फॉर्मल गार्डन सिमेट्रिकल होता है. इसमें डिज़ाइंस फिक्स्ड होती है और सभी प्लांट्स स्ट्रेट रोज में लगाए जाते हैं, जिससे कोई प्लांट्स लेफ्ट हैंड के स्ट्रेट रोज में है तो दूसरे प्लांट्स उसके अपोजिट रो में लगाए जाते हैं. यहाँ पर प्लांट्स का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स होता है. थर्ड टाइप है
इनफॉर्मल गार्डन। इनफॉर्मल गार्डन कोई भी डिज़ाइंस फॉर्मल नहीं होती है, प्लांट्स भी इसमें नेचुरल लोकेशन पर ही लगे होते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड रोज नहीं होती है। इनफॉर्मल स्टाइल एज कम्पेयर टू फॉर्मल स्टाइल मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है। फोर्थ टाइप है वाइल्ड गार्डन। वाइल्ड गार्डनिंग एक न्यू स्टाइल है। वाइल्ड गार्डनिंग का कंसेप्ट ना केवल फॉर्मल गार्डनिंग के बिल्कुल अलग है, बल्कि लैंडस्केप गार्डनिंग से भी बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ ग्रासेस को नेचुरली ग्रो करने दिया जाता है, इसमें किसी भी टाइप की एक्टिविटी जैसे कटिंग या प्रूनिंग नहीं की जाती है। सो ये थे गार्डन के फोर टाइप्स। इसके बाद अब हम कुछ गार्डन स्टाइल को पढ़ेंगे। गार्डन स्टाइल क्या होता है समझते हैं। गार्डन की लेआउट फीचर्स ट्रीज श्रब्स गार्डन को परफेक्ट इफेक्ट देते हैं, इसीलिए उन्हें डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है और उसे हम गार्डन स्टाइल बोलते हैं। गार्डन स्टाइल की दो बेसिस पर होती है। फर्स्ट है फॉर्मल गार्डन एंड सेकेंड है इनफॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन मुगल पर्शियन इटालियन एंड फ्रेंच गार्डन के अकॉर्डिंग होती है और इनफॉर्मल गार्डन इंग्लिश और जापानीज गार्डन के अकॉर्डिंग होती है। अब हम फॉर्मल गार्डन्स के टाइप को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन मुगल एम्परर की रूल के अंडर बनाया गया था। मुगल गार्डन का स्टाइल सेंट्रल एशिया और पर्शिया के स्टाइल के सिमिलर होता है। मुगल गार्डन को फर्स्ट टाइम इंडिया में मुगल एम्परर बाबर ने 1494 से 1531 में बनवाया था। मुगल गार्डन में ट्रीज का पर्टिकुलर सिंबल के बेसिस पर चूज किया जाता है, जैसे कि लाइफ यूथ डेथ एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप है पर्शियन गार्डन। पर्शियन स्टाइल सबसे ओल्डेस्ट होती है। इसके टू एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट वाटर जो कि सोर्स ऑफ लाइफ है और ट्रीज जिनकी हाइट हेवन के लिए चूज करी जाती है। ये गार्डन स्ट्रिक्टली फॉर्मल और सिमेट्रिकल होते हैं। सो ये थे फॉर्मल गार्डन के टाइप्स। नेक्स्ट है इनफॉर्मल गार्डन। इनफॉर्मल गार्डन का एग्जाम्पल है इंग्लिश गार्डन। इंग्लिश गार्डन नेचुरली बनाए जाते हैं, इसमें किसी भी टाइप की आर्टिफिशियल बैरियर्स नहीं होते हैं, जैसे कि फेंसिंग या फिर हैजेस। इंग्लिश गार्डन का मेन फीचर होता है कि इसमें कर्व्ड पाथ होते हैं और ट्रीज इनफॉर्मल वे में लगाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गार्डन इट्स टाइप एंड स्टाइल्स। After this, the next topic is lawn. Lawn landscape का एक important feature होता है। बिना lawn के garden incomplete होता है। Lawn एक area होता है जो कि thick और soft green grasses से cover होता है। Lawn को हम green carpet और heart of garden के नाम से भी बोल सकते हैं। लॉन लगाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सेलेक्शन ऑफ साइट। लॉन लगाने के लिए ऐसी साइट सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें प्रॉपर सनलाइट पहुंच सके और थोड़ा स्लोप होना चाहिए ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो सके। सेकंड क्राइटेरिया है सॉइल एंड सॉइल प्रिपरेशन। लॉन के लिए सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए और इनफ ह्यूमस होना चाहिए ताकि ग्रासेस ग्रीन रहे। थर्ड क्राइटेरिया है सेलेक्शन ऑफ ग्रास। इंडिया में कॉमनली लॉन के लिए डूप ग्रास को यूज़ किया जाता है और शेडेड एरिया के लिए ब्लू ग्रीन ग्रास और कोरियन ग्रास को यूज़ किया जाता है। फोर्थ है प्लांटिंग ऑफ लॉन। लॉन को रेनी सीजन के टाइम में प्लांट किया जाता है ताकि ग्रासेस फास्ट ग्रो करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनेंस ऑफ लॉन। लॉन लगाने के बाद टाइम टू टाइम हमें इसे वीडिंग करनी चाहिए ताकि वीड्स ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकें। सेकेंड पॉइंट है कि लॉन में हम स्प्रिंकलर्स से इरिगेशन करते हैं, वो भी सीजन के अकॉर्डिंग। समर के टाइम पे वाटरिंग ज़्यादा करनी चाहिए और विंटर के टाइम पे कम। थर्ड पॉइंट है कि पीरियोडिकली मैन्योर ज़रूरी होता है ग्रासेस के लिए, जिससे ग्रासेस लॉन्ग टाइम तक ब्राइट ग्रीन रह सके। आफ्टर दिस द लास्ट टॉपिक इज डिजीजेस एंड देयर मैनेजमेंट। लॉन्स में कुछ डिजीजेस होती हैं, जैसे कि फेरी रिंग एंड पैल और येलो लॉन। फेरी रिंग डिजीज से बचने के लिए हमें बोरिडेक्स मिक्सचर 4:4:50 कंसेंट्रेशन का और
कॉपर फंजीसाइड जैसे प्लीटॉक्स जैसे स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि पेल और येलो डिजीज लॉन में कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि वाटर लॉक्ड कंडीशन, मींस जब फील्ड में ज़्यादा वाटर भर जाता है जो कि पेनिट्रेट नहीं हो पाता है सॉइल में, उसे वाटर लॉक्ड कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है पुअर ड्रेनेज। पुअर ड्रेनेज का मतलब है जब फील्ड में कम वाटर होता है और ग्रास को इनफ वाटर नहीं मिल पाता है, इसी वजह से ग्रास पेल और येलो डिजीज हो जाती है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी की वजह से और सॉइल की हार्डनिंग की वजह से पेल और येलो डिजीज हो सकती है। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट गार्डन एंड लॉन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स को समझेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।